उपसभापति बनने के बाद एक बड़ा चैलेंजिंग रोल है ये, और लोगों ने बड़ी उम्मीदें भी जताई आपसे, बड़ी उम्मीदें रखी, चाहे वे स्मॉलर पार्टीज हों। तो सर क्या एजेंडा क्या रहेगा आपका अगले 5 सालों के लिए? विभिन्न दलों के लीडर्स बहुत उम्मीद रखा है, लेकिन छोटी पार्टियों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया है उनको ज़्यादा कंसिडरेशन देना है, क्योंकि ये हाउस में समय पर थोड़ा निश्चित डिसीजन है, एक एक पार्टी के उनके नाम उनके स्ट्रेंथ के अनुसार टाइम देते हैं। सो छोटे छोटे पार्टी को टाइम कम है, तो छोटे पार्टी को ज़्यादा टाइम देना और बड़ा पार्टी को उससे कम टाइम देना चेयर को कर नहीं सकते, क्योंकि रूल्स हैं, सो रूल के अनुसार करना है। सो चेयर में मैं कोशिश करूँगा उनको मैक्सिमम अकोमोडेट करने के लिए कोशिश करूँगा। पार्लियामेंट का भी 60 ईयर हो गया है, आपका भी अगर पार्लियामेंट्री वो देखें तो उसका आधा करीब आपने यहाँ बिताया है पार्लियामेंट में, आप लगातार पार्लियामेंट में ही रहे। अभी क्या ऐसे बदलाव हैं जो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, क्या करना चाहिए सर सांसदों को? क्योंकि बैठकों की संख्या घट रही है, डिबेट जो बहुत हाई लेवल के होते थे वो भी कम होने लगे, क्या करना चाहिए सर? डिबेट का स्टैंडर्ड कम हो रहा है और सदन का बैठक का दिन भी कम हो रहा है और ये मेंबरों का अटेंडेंस भी कम हो रहा है। इसके लिए कुछ करना है। पार्टी लीडरों शुड कम टुगेदर, इसके बारे में सोच करके हाउस अच्छी तरह चलना है, हाउस में ज़्यादा बैठक होना है, हाउस में मोर ज़्यादा डेकोरम होना है, ये ऐसा उन्होंने एक डिसीजन लेगा तो काम हो जाएगा। तैयार रूल के अनुसार, नियमों के अनुसार ही डिसीजन लेना है, उसके लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। बहुत सारे MPs ऐसे हैं, आप चाहते हैं कि हाई लेवल का डिबेट हो, और अपर हाउस में होता भी रहा है क्योंकि स्टेट के इतने सारे इश्यूज हैं जिनको उठाया जाता रहा पहले। तो सर क्या अपील करना चाहेंगे जो साथी सांसद हैं जिन्होंने आपको इलेक्ट किया है? मेंबरों के लिए मेरा अपील ये है कि ये शोर मचाने से ज़्यादा अच्छा हाउस में अच्छी तरह डिबेट करना है, डिस्कशन चर्चा होना है, चर्चा से ज़्यादा फायदा होगा। शोर मचाने से क्या फ़ायदा है? हाउस डिसरप्ट करने के अलावा, शोर मचाने के अलावा डिसिप्लिन के से बैठकर गंभीर चर्चा करना है। ऐसा चर्चा हो जाएगा तो हाउस के लिए अच्छा है, मेंबरों के लिए अच्छा है, और राष्ट्र के लिए भी, देश के लिए भी अच्छा होगा।